नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये पेंटोन 4 के बारे में बताऊंगा। तो ये सबसे पहले तो ये गिम्बल स्पॉटर लगा हुआ है इसके नीचे। गिम्बल का स्पॉट है ये, मतलब ये गिम्बल इसके साथ हिलेगा नहीं। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके साथ में एक पत्ता होता है, पत्ता नहीं खराब होता। अगर हम इसे उतार देंगे, जैसे हम बैग कैरी करते हैं, तो ऐसे लटकता रहता है गिम्बल। आपको दिखाता हूं मैं, ये इसलिए गिम्बल स्पॉटर लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम जैसे कैरी करते हैं तो ऐसे ऐसे गिम्बल हमारा हिलता रहता है, तो इसके खराब होने के चांस है क्योंकि गिम्बल सबसे हमारा मेन है, इसके अंदर गिम्बल है। सो पेंटोन 4 के अंदर ये खासियत है कि इसके सेंसर लगे हैं, आगे सेंसर है और नीचे सेंसर है, ठीक है। तो इसके जो पेंटोन 4 प्रो है, उसके पीछे भी सेंसर है, साइड पर भी सेंसर है, आगे फ्रंट पर भी सेंसर है, नीचे इसके 8 सेंसर है, इसके 4 सेंसर है। तो बाकी इसके अंदर जो कैमरा है, कैमरा वही है, बस उसमें ये खासियत है कि 4K है, जो 60 फ्रेम पे करता है। 60 फ्रेम पे मतलब मैं आपको समझाऊंगा 4K 60 फ्रेम का क्या मतलब है। ये 4K 25 है, NTS पे ये 30 फ्रेम पे रिकॉर्ड करता है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि फ्रेम रेट क्या होते हैं, कि उसमें क्या खासियत है, फ्रेम रेट में क्या कर सकते हैं फ्रेम रेट की वजह से। तो इसके मैं बारे में बताता हूँ, इसे लॉन्च करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसको लॉन्च करके दिखा रहा हूँ। जो पेंटोन 3 था उसमें क्या था, ये चूड़ियाँ लगी हुई थी इसके, मतलब जो नट होते हैं ना, जैसे चूड़ियाँ होती हैं, पहले इसके अंदर चूड़ियाँ थी। अब इसके अंदर लॉक सिस्टम आ गया पेंटोन 4 और प्रो के अंदर। तो जैसे यहाँ पे लिखा होगा कौन सा, ये दो कलर में आता है, ब्लैक और सिल्वर। ये ब्लैक और सिल्वर में आते हैं जो इसके हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है कि सिल्वर कहाँ पे लगेगा और ब्लैक इस पे लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये है लॉक सिस्टम, इसके ऊपर बना हुआ है कि किधर को हम लॉक करेंगे। इसे यहाँ से पकड़ेगा, अगर यहाँ से पकड़ कर ऐसे करेगा तो लॉक नहीं लगेगा। ऊपर से दबाकर थोड़ा सा इधर घुमाना है तो लॉक लग जाएगा। देख सकते हैं आप, ऐसे इधर ब्लैक लगाया तो इधरली साइड लगेगा सिल्वर। ऐसे सिल्वर को ऐसे करना लॉक लग जाएगा। इसके सामने यहाँ पे ब्लैक लगेगा और यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे ब्लैक लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा दबाना है नीचे, घुमा देना है, लॉक लग गया। और ऐसे ये लगाएंगे हम कि इसके ऊपर ऐसे लगाना है और घुमा देना है। ये चारों लॉक अच्छी तरह चेक कर लेने कि लग गए। तो अब क्या है, इसे मतलब हम अब अपना इसका रिमोट निकालेंगे। जो रिमोट है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले क्या है, ये होम बटन। होम बटन के कई बार होता है कि हमारा सिग्नल नहीं आते हैं, सिग्नल से बाहर हो जाता है हमारा जो हेलीकैम है। तो इसे होम बटन, जहाँ से ये मतलब उड़ता है वहीं पे वापस आ जाता है। ये ऑन ऑफ का बटन, अगर आप इसे प्रेस करते हैं एक और दो, इसे दो बार प्रेस करने से ऑन होता है। ये कंट्रोल आ गया, आपको मैं बताऊँगा कैसे कंट्रोल करते हैं। ये APS आ गया, APS भी सिग्नल होते हैं। P पे रखोगे तो आप ये मतलब अपने आप कंट्रोल नहीं होगा, हम मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। APS ही आपको ये भी चीज़ बताऊँगा। ये आ गया गिम्बल डाउन। ये जो हमारा कैमरा है, कैमरा गिम्बल पे टिका हुआ है। तो इसके क्या होगा, हम जैसे ये इसे नीचे करेंगे नीचे को जाएगा, ऊपर करेंगे ऊपर को हो जाएगा। यहाँ क्या है, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन लगा हुआ है ये। तो इससे वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे है फ्यूज, मतलब जो अगर वीडियो आप बीच में रोकना चाहते हैं तो यहाँ से रोक सकते हैं। तो अगर कट ही करना है इसे दोबारा क्लिक कर सकते हैं, कट हो जाएगा। अगर फ्यूज करना चाहते हैं यहाँ से, अगर स्टिल फोटो मार्क करना चाहते हैं आप, JPG भी है इसके अंदर, रो भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इससे क्या होता है, ये पर्चर है। पर्चर का मतलब होता है कि जैसे आपकी मतलब अंधेरा हो गया, आपकी डार्क आ रही है, आपकी फोटो लाइट आ रही है, इससे कंट्रोल हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में बताएं तो ये मतलब ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक, थोड़ा सा डार्क लाइट और डार्क और लाइट करने के लिए ये पर्चर है। तो आगे इसके अंदर ISO वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इसे करने के लिए मैं अपना मोबाइल निकालता हूं। तो सबसे पहले क्या है, मैंने अपना मोबाइल निकाली है। तो प्ले स्टोर के अंदर अब अपडेट आ गई है कि इसकी DJI 4 Go ऐप करनी है आपने। तो जैसे मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है, मैं दिखाता हूं जी, DJI 4 Go ऐप है, इसे मैं निकाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए डाटा केबल, जो डाटा केबल DJI की ओरिजिनल केबल है, इस पर ओरिजिनल यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके नीचे एक पैनल बना रिमोट के, यहाँ पर लगा देना है हमें, और ये चीज़ हम लगाएंगे मोबाइल में। और ये जो हमारा पैनल बना हुआ है, इसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से दबा के, इसे जितना बड़ा अपना अपना मोबाइल का साइज है उतना। तो ये चीज़ें छोटे मोबाइल के लिए, अगर छोटा है तो इतने में आ जाएगा, अगर बड़ा टैब है तो हमारा इतने बड़े में भी आ जाएगा। देखिए जितना मर्जी बड़ा टैब लगा सकते हैं। जैसे मेरा छोटा मोबाइल है तो मैं सिर्फ थोड़ा खुलूँगा, ओपन करूँगा, इसे मैं यहाँ पर लगा के और इसे प्रेस कर दूँगा, तो ये अच्छी तरह मोबाइल फिट हो जाएगा हमारा। तो क्या करना है, अब आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये हेलीकैम, और ये आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया कि ये जो सेंसर है 4 फीट की दूरी से टकराते नहीं, कोई भी चीज़ है, जैसे मेरी तरफ है इसका फेस, तो क्या है 4 फीट पे अपने आप जितना मर्जी आप आगे करोगे ये आगे नहीं जाएगा, ये 4 फीट की दूरी पे अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। तो प्रो के अंदर इसके ज़्यादा सेंसर है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है ये, मतलब एक दो बार आप कंट्रोल छोड़ दोगे तो वो पेंटोन 4 थोड़ा ऐसे ऐसे मतलब जर्क मारता रहता है। ये 4 नहीं मारेगा, पेंटोन 4 में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे अपने आप ही हिलता रहता है वो। इसकी वजह से हमारी वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है, 4 के अंदर ये दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि 4 मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम अपना ये ऑन करते हैं। क्या करना है, अपने यहाँ से दो बार प्रेस करना है, एक दो, देख सकते हैं अब ये ऑन हो गया, गिम्बल अप डाउन वार्म अप कर रहा है। तो इसी तरह मैं अपना DJI की ऐप खोल लिया, आप देख सकते हैं। एक मिनट में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लूँ, तो ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो ऐसे इसे दो बार प्रेस करूँगा, एक दो, ये अपने आप DJI की ऐप उठाने लग जाएगा। ऐप्स में से जो भी आप पेंटोन 4 उठा लिया, इसके अंदर काफ़ी वर्जन है जो पेंटोन के 3 के भी हैं। तो गो फ्लाई, तो आपको बताया जैसे कि ये मैंने ऑन कर चुका हूँ मैं अपना। तो इसे मैं थोड़ा सा दूर रख देता हूँ, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट उतार है, मतलब इसके आसपास नज़दीक कहीं लोहा नहीं होना चाहिए, तो ये रख दिया है मैंने।
तो ये हमारा आप देख रहे हैं कि येलो पैनल आ रहा है, यहाँ पे देखिए गो टू फ्लाई मतलब रेडी टू गो, मतलब हम अभी ऑन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा जहाँ पे देखा रेडी टू गो तो बहुत बेटर रहेगा। ये है हमारा, आपको इसके सेटिंग्स के बारे में भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये हमारी सेटिंग्स है, मैनुअल पे चलाना चाहते हो आप, ये मैनुअल आ गया। अब ये ग्रीन हो चुका है, ये बोल रहा है आप फ्लाई कर सकते हैं, ये पूरा अच्छी तरह से रेडी है। इसके GPS भी इसने उठा लिया कि कहाँ पे उड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पूरे सिग्नल, यहाँ पे कोई भी रेड सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो रिमोट बना हुआ है जो भी बना हुआ है तो इस पे रेड सिग्नल नहीं आ रहा है। तो सेटिंग इसकी बताऊँगा थोड़ी सी मैं आपको। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आ गया इसके अंदर वीडियो। वीडियो जो है जो मैं 1920x1080 पे कर रहा हूँ 50 फ्रेम पे। ये 120 फ्रेम पे भी होती है, 50 फ्रेम पे भी होती है। जो 4K है, 4K हमारी 25 फ्रेम पे करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पैंटम 4 प्रो आया उसके अंदर 60 फ्रेम पे होता है 4K, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कैमरे का। बस ये खासियत आई उसके अंदर 4K हम 60 फ्रेम पे कर सकते हैं। 60 फ्रेम का होता है कि मतलब जैसे स्लो मोशन, हम 4K पे स्लो मोशन मिल जाता है 60 फ्रेम पे। अगर मैं इस पे लेना चाहूँ 4K पे स्लो मोशन नहीं मिलेगा, मेरी वीडियो अटकने लग जाएगी अगर मैं स्लो मोशन करूँगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट आ गया मूवी या MP4, मैं मूवी पे रखूँगा। पाल आ गया, दो तरह के इसके अंदर फॉर्मेट दिया, NTSC और पाल। मैं पाल पे ही रखता हूँ इसको। तो आप NTSC भी रख सकते हैं कि NTSC पे रखोगे तो 4K 30 फ्रेम पे मिल जाएगा, और ज़्यादा नहीं है मतलब 30 फ्रेम तक ही मिल जाएगा। तो ये वाइट बैलेंस आ गया, ठीक है। ये ऑटो पे है मेरा, जैसे आप मैनुअल कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। तो वाइट बैलेंस ऑटो भी रख सकते हैं, सन सारे देख सकते हैं आप कि कलर चेंज कर रहा है। मैं ऑटो पे रखता हूँ क्योंकि जो नॉर्मल कलर है वही देगा, ठीक है, ऑटो पे। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आ गया स्टाइल, आ गया स्टाइल। मैं स्टैंडर्ड ही रखता हूँ, स्टैंडर्ड जो बड़े DSLR कैमरे हैं तो उनके अंदर, DSLR कैमरों के अंदर भी वही रखा जाता है, मतलब जो भी आपका DSLR कैमरे के अंदर भी स्टैंडर्ड ही रखा जाता है बड़े कैमरे के अंदर। तो यहाँ पे आ गया कलर, आगे कलर वीवर्ड है, डी लॉग है, डी क्लीन है, ट्रू कलर है। तो इसके अंदर ज़्यादा आप सिचुएशन के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी लोकेशन है उसी हिसाब से कलर रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मेरे आसपास जैसे ये लोकेशन है, मैं यहाँ पे वीवेड रखूँगा। आप ऑटो भी रख सकते हैं, डीजे नन मतलब कोई कलर नहीं चाहिए, जो रियल में दिखाई दे रहा है मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ वीवेड, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपको बता दूँ, सेटिंग्स आ गई। इसके बिल्कुल नीचे फॉर्मेट SD कार्ड है, फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप, ठीक है। ये रीसेट का आ गया, ठीक है, ग्रिड आ गया, ये मतलब ये सारे फंक्शन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मेन जो हमारे हैं, ये मेन जो वीडियो का फंक्शन है यही है, मतलब वीडियो आप कितने पे करना चाहते हो। जैसे मैं 4K ये है, ठीक है, इसका मैं 1920x1080 पे रखूँगा, और मतलब 48 फ्रेम पे करना चाहता हूँ, 48 फ्रेम पर सेकंड। तो बैक चलता हूँ मैं, इसके अंदर क्या है, ISO वगैरह आ गया, मैनुअल या मैनुअल है तो 3200 पे चला गया, आप कम भी कर सकते हैं, देखिए 100 पे, ठीक है। नीचे शटर स्पीड आ गया, शटर स्पीड वही बोल रहा था जो नीचे रोल लगा हुआ है, ये देखिए घुमा रहा हूँ मैं, नीचे जो बटन लगा हुआ मैंने बताया था उसके बारे में। तो क्या करना है आपने, जैसे आपको बताया कि मैनुअल पे ISO वगैरह शटर है, ये शटर स्पीड है, मैं थोड़ी लाइट करना चाहता हूँ, ये देखिए 80 पे रखा तो 50 पे रख देता हूँ, मेरे को यहाँ पे ठीक कलर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑटो पे रखूँगा तो ये अपने आप जैसी ये है वैसे ही शो करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोटो, यहाँ से क्लिक करेंगे तो फोटो आ जाएगा कि फोटो, ये देखिए मैं आपको क्लिक करके, नीचे बटन लगा हुआ रिमोट पे, ये फोटो क्लिक हो गया। आप फोटो की सेटिंग भी है, रो प्लस JPG, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये फोटो का है, सिंगल शॉट लेना चाहते हैं, ज़्यादा शॉट लेना चाहते हैं, इमेज फॉर्मेट है, रो प्लस JPG। रो के अंदर हमें क्या होता है कि ज़्यादा क्वालिटी मिल जाती है, रो को एडिट करेंगे तो हम तो इससे ज़्यादा क्वालिटी मिल जाती है। तो इससे वाइट बैलेंस आ गया, वैसे ही है वीविड कलर आ गया, कलर जो भी फोटो का भी वैसे ही है सारा। मेन सेटिंग आपको बता दिया मैंने, तो मैं वीडियो पे आता हूँ। अब मैं इसे स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ये मेरा रिमोट भी ऑन है और मेरा जो हेलीकैम भी ऑन है, मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। ठीक है, बन रही है। इसे ऑन करने के लिए क्या करना है, हमने दोनों बटन को नीचे करना है और इधर की तिरछा तरफ घुमा लेंगे, देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है उड़ने के लिए। तो ये घूमने भी लग गया है, तो इसे ऊपर उठाने के लिए इस बटन को मैं ऊपर करूँगा, इसे ऊपर करूँगा तो ऊपर जाएगा, नीचे करूँगा तो नीचे आएगा, देख सकते हैं आप। इधर करूँगा तो देख सकते हैं ऐसे घूमेंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ऐसे, इधर करना है तो इधर जाएगा, अगर आगे करना है तो आगे फ्रंट में जाएगा, अगर पीछे करना है तो पीछे को आएगा।